अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये है मेरी सारी ईद की शॉपिंग, तो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले ये ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इसकी बाजू का डिज़ाइन, ये मैंने सफायर से लिया था और ये आया था 3190 का। और इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र लिया था, इसके ट्राउज़र का स्टाइल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये बेल बॉटम ट्राउज़र है, तो ये मैंने लाइम लाइट से, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे, तो इसका ट्राउज़र आया था 2500 का। तो एक ये ड्रेस है मेरा ईद का, और एक ये मुझे बहुत पसंद आया था ड्रेस, इसका स्टाइल और ये इसके मुझे ये बीट्स बहुत प्यारे लगे थे। तो ये भी मैंने सेफायर से लिया था और ये आया था 2790 का। और इसका इसके चाक आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से हैं, मुझे बहुत पसंद आए थे ये। मैंने एक ये लिया था। अब मैं आपको बकाया दिखाती हूँ जो मैंने दस, और उसके बाद ये मुर्सा के लिए मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी और शलवार कमीज़ मुर्सा इसी की पहनते हैं, पेनोरामा से ली थी मैंने, और ये आई थिंक सो आई थी 4000 की। ये भी मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी। और एक ये मैंने ट्राउज़र लिया था, ये आया था 1000 का। तो ये भी किसी के साथ पहना जाएगा, लेकिन मैंने पाकिस्तान से ये मंगवाया था। ये सब मैंने पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ शूज़। इसे मुझे कुर्ता बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने दो कुर्से मंगवाए थे पाकिस्तान से, एक ये था और एक ये दो कुर्से मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। अब पाकिस्तान से जो चीज़ें मंगवाई थी वो तो ख़त्म हो गई हैं, अब हम यहाँ की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ये शूज़ लिए थे, ये मैंने अभी नहीं लिए थे, ये मैंने छोटी ईद पे लिए थे, तो मैंने कहा था पहने जाएंगे ये शूज़ थे, तो ये अभी यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था ये, अब मैंने शूज़ न्यू नहीं लिए थे, तो ये इस ईद पर भी यही शूज़ पहने जाएंगे। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। मैंने MUY से लिया था, एक ईयरिंग्स लिए थे, ये मैंने अभी नहीं लिए थे, इसको लिए हुए एक मंथ हो गया, लेकिन लिए मैंने ईद के लिहाज से थे। ये देखें, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो एक ये मैंने लिए थे और ये मैं आज ही लेके आई हूँ। तो मैं शॉप पे फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे इसकी ज्वेलरी बहुत प्यारी लगी थी। ये मैंने इयररिंग्स लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये ब्रेसलेट्स थी, कड़े थे। तो इनकी प्राइस देख लेते हैं। अब ये आए थे 8 यूरो के, और ये आई हैं, ये भी 9.99 यूरो, मतलब 10 यूरो के ही थे। ये मुझे मिले थे 250 के। मैंने ये कैप ली थी, ये मैंने लोकल शॉप से ली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, तो ये मैंने ली थी। और ये मुझे मिली थी 9 यूरो समथिंग की थी, ये कैप थी। उसके बाद अब देखते हैं ये नेक्स्ट माल्टा, इसमें से हमने मुर्सा की जीन्स ली थी, लेकिन इसके अंदर मेरी शर्ट पड़ी हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने एक ये शर्ट ली थी, ये मैंने एक्स्ट्रा ही ली थी, मेरे ईद के ड्रेस में से तो नहीं आती, बट हाल ये मैंने ली ईद की शॉपिंग में ही है। ये शर्ट है बहुत प्यारी, तो मीडियम साइज। उसके बाद मोबाइल का कवर लिया था, वो कैसे भूल जाते हैं, मोबाइल का कवर तो लाजमी था, वो लिया था मैंने। और उसके बाद ये है ज़ारा, तो इसमें से ये मुर्सा के कपड़े, ये जीन्स एंड ये शर्ट सेकंड डे के लिए। ये शर्ट हमने ज़ारा से ली थी और जीन्स नेक्स्ट से थी, जिसके अंदर मेरी शर्ट पड़ी हुई थी। ये है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के मुर्सा का ड्रेस। ये है मुर्सा की जीन्स, ये आई थी 37 यूरो की, और ये आया था, ये शर्ट थी 26 की। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये है मेरा ड्रेस सेकंड डे का, जिस दिन हमारा प्लान है गोजो जाने का। मैं आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ, मैं खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे ड्रेस का फाइनल लुक है। ये ट्राउज़र है, ये कैप्री ट्रैप ट्राउज़र आता है, ऊंचा ऊंचा है, ये देखें इसका ट्राउज़र का स्टाइल। ये आया था 39 यूरो का, मतलब ये 40 का बन जाता है। और ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आई थी, इसके नीचे मैंने ये स्लिप पहनने का कहा था, ये वाइट कलर की है, तो ये पहनूंगी मैं इसके नीचे, तो आगे से ओपन रखूंगी। और ये मुझे मिली है, ये न्यू अराइवल में से ही थी, ये भी 30 यूरो की है। उसके बाद मैं MUY से ये बैग लेके आई हूँ,
तो मैं ये खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। और इसके बाद ये शूज़ हैं, ये बैग लिए मैंने, और ये आया है 18 यूरो का, और जो ये शूज़ थे ये आए हैं 75 यूरो के। तो ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की शॉपिंग, और ये था आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मैं ये सब समेटती हूँ और फिर आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।